हे भाई। कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जो आप एक्सटेंड देखे आप लोग, वो एक्सटेंड आज का नहीं है, आज से ठीक एक साल पहले का है, क्योंकि यही बाइक यही जगह और मैं भी यही पड़ा हुआ था एकदम पूरा। बाकी देख ही चुके होंगे कि कितना खतरनाक, कितना डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम के बाद में मैं यहाँ आने को भी नहीं चाह और मेरा मन भी डर रहा था। सब लोग बोले थे कि वहाँ दोबारा से मत जाना, फिर भी मैं यहाँ का डर हटाने के लिए यही रास्ते आ रहा था। तो क्यों नहीं यहाँ पे आया जाए और देखा जाए। तो यहाँ पे कोई टाइम था कि मैं ठीक 7:35 में शाम हो गया था, अंधेरा पड़ गया था और यही बाइक सेम यही मॉडिफिकेशन था उस टाइम में भी, और मैं भी ऐसा ही था क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था हमारा। उस टाइम में मैं आ रहा था दरभंगा से वीरगंज जा रहा था, तो सुनवर्षा बॉर्डर क्रॉस करके और उसके बाद में ये रास्ते आ रहा था और अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा यहाँ पे गलती भी था, यही गलती था कि मैं स्पीड बाइक स्पीड में था, पर स्पीड था इसका मतलब हम लोग स्पीड चलाने की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को जो दिख गया वो कभी भी एक्सीडेंट पे नहीं बदलेगा, हमारा कंट्रोलिंग होता है। और यहाँ पे देखिए इतना डेंजरस ठाउं है, रास्ता जंगल से उधर कटता है अंदर के तरफ। यहाँ पे कम से कम एक डाइवर्सन का बोर्ड लगा देना चाहिए था या कुछ भी। डाइवर्सन का बोर्ड देखने के बाद तो दूर से ही दिख जाता है लाइट फोकस की, हाँ यहाँ पर रास्ता नहीं है, कटना है हम लोग, पर वो चीज़ उस टाइम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे एक ही बाइक नहीं, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी सब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आइए दिखाते हैं, दिल्ली का मान लीजिए ये एक दो दिन का ही एक्सीडेंट होगा या कि आज का होगा, ये सब दिल्ली का यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा होता ही है। ये सब देखिए किसी गाड़ी का होगा, देख रहे हैं नीचे देखिए सब गाड़ी का। बाकी बाइक गाइस उतना एक्सीडेंट रात को एक्सीडेंट, मैं यहाँ से बाइक
जंप किया। यहाँ से जाने के बाद बाइक जहाँ पे रुका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितना दूर बाइक है, पर वहाँ तक बाइक उड़ के गया था और वो भी जाकर पेड़ में टकरा के ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। और मैं तो पूरा उधर खाई है, खाई की तरफ चला गया था और मेरे को कुछ हुआ तो नहीं, पर मैं पूरा सेफ्टी गार्ड में था। बस यहाँ का मेरा बोन फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ का जोड़ने का, उसके बाद में कमर में इतना क्रैक आया था लगभग 1.5 दिन तक के तरफ। हालांकि गाइस, ये है अभी का बाइक जो कि जैसा था वैसा ही मैंने फिर से इसको बनाया। उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 2 महीना मैं बेड रेस्ट में था। 2 महीना से पहले मैं एक बार भी उठ नहीं पा रहा था, दूसरे का सपोर्ट से उठ रहा था। टॉयलेट भी बहुत सारा दिक्कत परेशानी झेलने के बाद 2 महीना बाद जिस दिन उठा उसी दिन इस बाइक को टचअप करके उसके बाद मैं गैरेज ले गया और 3-4 दिन बाद बाइक देखने के लिए मैंने बना के और रेडी कर लिया। पीछे हटाना ही गाइस, जिस दिन बाइक बना उसी के दूसरे दिन मैं राइड पे निकल गया। उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। मैं 2 महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, सोच रहा था क्या करना चाहिए, पर मैं राइडिंग को छोड़ा नहीं। राइडिंग के पीछे मैं तो पागल हो गया इस, पर आप लोग सपोर्ट इतना करने के बाद भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा बुरा तो लगता है मेरे को, पर क्या ही बोला जाए। बाकी जिस ठाउं से लेट के गया था गाड़ी पे, उस ठाउं में फिर से आके यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। सोचिए गाइस, सोचिए, उसको करिए, सपोर्ट करिए। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।